ऑलराइट, हेलो यूट्यूब। आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स ऑन द F250, द ब्यूटीफुल रेड कलर F250। सो इवन दो इसके भी मिरर्स काफ़ी बाहर हैं और स्प्रेड हैं फेयरिंग की वजह से, लेकिन फिर भी आपके बाजू में कौन चल रहा है उसका आपको अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर इंस्टॉल किया जाए। सो इसकी प्राइसिंग अराउंड 330 रुपीज़ है। आई पॉप ब्रांड का ये मिरर है और ये अमेज़ॉन पे आपको स्पेशली मिल जाएगा आराम से, इजीली। अगर डील में होगा तो 330 का है, वरना 380 रुपीज़ का भी मिलता है ये कभी कभी। सो हम लोगों ने इसको डील पे उठाया 330 रुपीज़ का, एंड एक जिक्सर के लिए भी लिया है जिसका वीडियो हम लोग बनाएंगे। सो अभी चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी होती है ब्लाइंड स्पॉट लगाते वक्त, वो है कि कहाँ लगाना है, पोजिशनिंग क्या करनी है इसकी, और कैसे इसको लगाना है कि भाई तुम्हें साइड पीछे का भी दिख जाए और ब्लाइंड स्पॉट भी इफेक्टिवली काम करे। पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। काफ़ी अजीब सी पैकिंग है इसकी। इसको मैंने निकाल लिया है अभी पैकेजिंग से बाहर, आप देख सकते हो। सो इम्पॉर्टेंट क्या होता है पता है, ये फ्रेम इसमें जो है ना, ये फ्रेम वाली जो होते हैं ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो अगर आप अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हो तो आप मेक श्योर करो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि ऐसा आप ये हाउसिंग के अंदर आने वाले लो, क्योंकि कैसा है यहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्शन होता है ना, अगर आप जस्ट इन केस पता है लगभग जी बचा लेगा। सो एक ये हो गया इसका पॉइंट, अच्छी क्वालिटी के ऐसे होते हैं ये। मैंने इसके पहले जो लगाए थे जिक्सर पे, वो मैंने 200 रुपये के कुछ थे, वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के थे। मैंने लिटरली उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया राइड के टाइम पे, बिकॉज वो किसी काम के नहीं थे। सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इनको लगाना कैसे है और कहाँ है। सो F250 का जो है ये कॉकपिट व्यू है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अभी। ओके, सो आपको दिख रहा होगा जब आप हाथ ऐसे रखते हो तो जो आपका शोल्डर्स है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको आपके हैंड्स और ये सब। मेरा फ्रेंड थोड़ा छोटा है तो उसको, मेरा तो अभी बीच में आ रहा है हाथ, लेकिन उसका यहाँ पे साइड में आता है यहाँ यहाँ पे। सो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि इसको हम लोग एकदम कोने में यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी लगाने के प्रोसेस को दिखाता हूँ। इसके पीछे आता है ये 3M का टेप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टेप आता है। इसके पहले मैंने जो लिया था 200 रुपये वाला, वो बहुत ही बेकार था। मैंने सोचा यार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता शायद 200 रुपये वाला ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा नहीं तो एटलीस्ट कंपेरेबल हो 330 वाले से, बट दैट वाज नॉट द केस। ये वाले एक्चुअली काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और इनका अभी तक कंपटीशन तो मुझे कोई दिखा नहीं यार। इसको निकालना थोड़ा ट्रिकी है, सो मेक श्योर आपके पास नाखून हो। इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि इसका ये भी नहीं निकलता जल्दी। ओके, सो ये 3M है, 3M टेप। अगर ये आपकी ज़्यादा, अगर ये ओल्ड हो गया होगा प्रोडक्ट तो इसका ये हार्ड हो चुका होगा, लेकिन अभी तक ये हार्ड हुआ नहीं है, अभी तक लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी का है। तो अभी इसको लगाते हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान किया है कि यहाँ कोने में हम लोग लगाएंगे जितना हो सके उतना, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी हाथ ही दिखता है चलाने वाले का इस पार्ट में। एक्चुअल जो पीछे का हम देखते हैं वो यहीं पर देखते हैं। सो यहाँ पर अभी इसको हम लोग एकदम एंड में लेकर बस ऐसे चिपका देंगे, और अगर हो सके पॉसिबल तो इसको क्लीन कर लेना अच्छे से, ये जो कांच का जो पार्ट है। बट ये गाड़ी जो है वो कल ही वॉश हुई थी, सो इट्स वेरी यू नो क्लीन, क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है इसको अलग से। और ये हम लोगों ने इसको चिपका दिया अच्छे से। अब आप चाहो तो इसको मिरर को निकाल सकते हो और इसका सिर्फ जो स्टैंड है वो लगा रहेगा अंदर माउंट, और इस माउंट को आप अच्छे से एक बार प्रेस कर लो अच्छे से, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, और इसको वापस फिट कर सकते हो आप। अब जब आप गाड़ी चला रहे हो तो इसको एकदम लेफ़्ट साइड में रखो, तो ये गाड़ी के, इस गाड़ी के बाजू में मेरी जिक्सर खड़ी है डायरेक्ट लेफ्ट में, और मुझे मेरी पूरी गाड़ी दिख रही है पीछे मिरर में। आई डोंट नो इसमें पॉसिबल होगा कि नहीं दिखाना, बट इसके अंदर मुझे पूरी गाड़ी दिख रही है मेरी साइड में। ऐसे ही हम लोग सेकेंड मिरर भी करेंगे, ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा थोड़ा, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे भी एकदम कोने में यहाँ पर देख लो कि अच्छे से साफ हो वो पार्ट, और फिर उस पर लगा दो एकदम एंड पॉइंट पे पकड़ के चिपका दिया, ठीक है। फिर से वापस मिरर निकाल दो, माउंट रहने दो, और उस माउंट को अच्छे से चिपका दो, अब इसको वापस लगा दो। इसकी क्वालिटी अलग है यार,
सो अब लगा के हो गया है। तो बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिखता है ये एक्चुअल में। सो आप देख सकते हो इसको हम लोगों ने एकदम साइड में कर दिया इधर ऐसा, ठीक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ये कितना अच्छा है, कितना फंक्शनल है, ये हम लोग हाईवे पे भी कोई राइड वाइड करेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि मेरे पास जो पुराना था उससे मुझे अभी से लग रहा है कि काफ़ी बेहतर है। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो के लिए यही था। पल्सर 250 पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स की इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। सारा तो पोजिशनिंग का ही खेल है कि आप कहाँ पर इसको पोजिशन करते हो। अगर आपने सही सही पोजिशन कर दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी गाड़ी कैसी लग रही है आप बता सकते हो। यार बहुत प्यारी दिखती है, पता है ये इस एंगल से जो दिखती है ना, ये स्पोर्ट्स बाइक आई है, ग्रेट जॉब बजाज। सो इसका भी फर्स्ट सर्विस हो चुका है। सो हम लोग एक 2000 किलोमीटर्स का इनिशियल रिव्यू एक लाने वाले हैं। अभी गाड़ी कुछ 1600 शायद चल चुकी है, जल्दी 2000 हो जाएगी। ये 1702 किलोमीटर्स हो चुका है, 300 किलोमीटर और, फिर एक 2000 किलोमीटर्स का इनिशियल रिव्यू हम लोग बताएंगे इसके बारे में कि कैसी चल रही है। और ये एक चीज़ मैंने चेक की, काफ़ी कमेंट किया था लोगों ने कि इसका जो किल स्विच है ये ऑन कर लो, फिर आप ट्रिप टू आपको दिखाने लगेगा यहाँ पे, ट्रिप वन ट्रिप टू। और जैसे अभी ये वाला ट्रिप है, ट्रिप टू, हम लोगों ने रिसेंटली एक मुंबई की पूरी राइड की थी इसमें। सो वो मुंबई की राइड काफ़ी सिटी ओरिएंटेड थी, तो हम लोगों ने जो इसका माइलेज निकाला है 39 का माइलेज दिखा रही है इसमें गाड़ी, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि क्योंकि सिटी बेस्ड राइड था, ज़्यादा सिटी में ही हम लोग मुंबई में चला रहे थे, एक एक मतलब हर एक डेस्टिनेशन सिटी में ही है उनका। सो ज़्यादा अच्छा हम लोगों ने माइलेज एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि मेरी जिक्सर ने मुझे मुश्किल से 32 का माइलेज दिया है सिटी में, और पल्सर F250 ने 39 ये दिखा रही है। अब ये 39 सच में कितना है, एक्चुअल है कि नहीं, ये नेक्स्ट फ्यूल अप पे हमें समझ में आएगा। एज़ यू कैन सी अभी भी 330 किलोमीटर्स चल चुकी है गाड़ी, और अभी भी कितना है इसमें, अभी भी 3 डंडा दिखा रहा है। सो अगर 3 डंडा नहीं है, अगर 2 डंडा भी आप पकड़ो गाड़ी सीधा करके, तो भी 330 किलोमीटर्स में अभी भी 2 बार लेफ्ट है फ्यूल के, अभी रिजर्व पे भी नहीं लगी गाड़ी। काफ़ी अच्छा माइलेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार इससे। सो या दैट्स इट, एक वीडियो इस पर भी आएगा कि इसका माइलेज एक्चुअल में क्या है। दैट्स इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब 90% लोग सिर्फ देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे हम लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाएंगे, ठीक है, इस बाइक के बारे में। ओके, सो बाय बाय।